स्वामी न्यूज अजमेर के इस विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य के 362वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के सत्र में हम जानेंगे गर्मी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं ग्रीष्म काल चल रहा है। 22-23 अप्रैल से लेकर के 22-23 जून तक यह विशेष रूप से ग्रीष्म का काल चलेगा। कल भी आपने देखा राजस्थान के इस अजमेर में 43 डिग्री अधिकतम तापमान नोट किया गया। अब ऐसी गर्मी में हम क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, थोड़ा सा हमें वास्तव में जानना चाहिए। क्या न खाएं ये भी बड़ा उपयोगी है, क्या न पिएं यह भी बड़ा उपयोगी चीज़ें हैं। कौन कौन से रोग इस गर्मी में, तेज गर्मी में परेशान करते हैं, कौन कौन से रोग परेशान करते हैं, कैसे कैसे रोग शरीर में आ जाते हैं, कैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन से कैसे बचें, स्किन की कैसे केयर करें, कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें गर्मी में आवश्यक हैं अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए। योग व स्वास्थ्य, चूँकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही योग व स्वास्थ्य है, तो योग करके ऐसे कौन से योग हैं, यानी कि ऐसे कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं जिनको करके हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें, हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, हम अपने स्वास्थ्य को ऊर्जा से युक्त, एनर्जेटिक और सकारात्मक अच्छा बनाए रख सकें मन को, और उसके अलावा शरीर को बलवान और अच्छा ऐसा एफिशिएंट बनाएं कि जिससे हम बाकी के 12 घंटे तक काम लें और हमारा शरीर टूटे नहीं, थके नहीं, इसकी शक्ति कम ना हो। निश्चित रूप से हम उन बातों को, विशेष बातों को जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। गर्मियाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम गर्मियों में भी अपने शरीर को बचा कर रखें लू के थपेड़ों से। इस गर्मी से हमारी त्वचा, हमारा पेट सब कुछ प्रभावित होता है, यहाँ तक कि लोगों की नींद भी ख़राब हो जाती है। अगर आपको कूलर और एसी ना मिले तो आपकी नींद भी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग मिलते हैं ऐसे जो छत पर सोते हैं, छत पर भी अगर सोते हैं ना उनको भी मच्छर काटते हैं। लेकिन कुदरती हवा में सोने का कुछ आनंद ही अलग होता है। जो लोग गर्मियों में छत पर या खुले आंगन में सोना चाहते हैं उनको सबसे बढ़िया उपाय मैं बता रहा हूँ, मच्छरों से भी बचना चाह रहे हैं, पहले तो साफ़ सफाई अच्छी ढंग से करके और ठंडे पानी का छिड़काव करें। और फिर भी यदि रात को मच्छर खाते हैं तो आप अपने साथ में एक मच्छरदानी ज़रूर रखें, उस मच्छरदानी के अंदर सोएं। निश्चित रूप से आपको मच्छर भी नहीं परेशान करेंगे और कुदरती हवा का भी आनंद पूरा मिलेगा, जो कि स्वास्थ्यप्रद होती है। वास्तव में इसका मुकाबला किसी और चीज़ से हो नहीं सकता। आप कितना ही अन्य चीज़ों को आप प्रयोग करके देखिए, लेकिन ये कुदरती हवा तो बड़ी ज़ोरदार होती है। गर्मियों में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो एक लू लगने की बड़ी समस्या होती है। लू लगने के लक्षण भी आपको पता होने चाहिए। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। कुछ लोगों को तेज बुखार होता है, कईयों को थकावट होती है, कईयों को सिर दर्द होता है, ये सब लू लगने के लक्षण होते हैं। इसे चक्कर भी आ सकते हैं, उल्टियां भी हो जाती हैं, मांसपेशियों में ऐठन भी हो जाती है, नींद ही नींद आती है, इतनी थकावट लगती है। गर्मियों में अगर लू से आप बचना है तो हृदय रोगी, जो हार्ट के पेशेंट हैं और जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, इन दोनों प्रकार के लोगों को कुछ सावधानियों का ज़रूर पालन करना चाहिए। कौन कौन सी, पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि गर्मियों में लू से तो आप बच नहीं सकते, तो आप सावधानियां ज़रूर रख सकते हो। लू तो आप बाहर जाओगे तो लगेगी। सावधानियां क्या रखनी है, घर पर ही मौजूद कुछ चीज़ों को सेवन करें, उससे गर्मी का प्रभाव कम कर सकते हैं, लू का प्रभाव कम कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले तो अपने घर को इस प्रकार से ढक कर रखें कि घर में आपके गर्म हवाएँ नहीं आनी चाहिए। एक बड़ा कारण गर्मी में हमारी समस्या का होता है कि हम पानी कम पीते हैं। पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। एक बार में हमें एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, मुझे याद आई
वो ये कि आपको अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा बहुत फ्रिज का पानी अगर इस्तेमाल करना भी चाहे ना, तो उस फ्रिज के पानी के साथ नॉर्मल पानी जरूर मिलाएं। ऐसे ही कोरा आपको फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। पहले तो फ्रिज का पानी पीना ही नहीं चाहिए। सर्दियों में बने हुए मटकों का आप प्रयोग करेंगे तो आपको वैसे भी ठंडा पानी मिलेगा उसके अंदर। मैं भी गर्मियों में हमेशा मटके के पानी का प्रयोग करता हूँ। फिर भी मान लीजिए आपको अगर फ्रिज के पानी की ज़रूरत है ही, तो उसमें मटके का या सामान्य घड़े का पानी मिला सकते हैं, स्टील आदि के या तांबे या पीतल आदि के। ये महत्वपूर्ण तो बात एक पानी की। दूसरा, पानी एक बार में बहुत सारा नहीं पीना आपको। बहुत सारा पीने से भी पेट की स्थिति बिगड़ जाती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि अल्कलाइन तत्व और एसिडिक तत्व ये दो प्रकार की चीज़ें होती है ना, तो दोनों का एक संतुलन बना रहना आवश्यक होता है। तो इसलिए आपको ऐसा ही करना है कि थोड़ी थोड़ी देर में पानी पी सकते हैं, एक बार में बहुत सारा नहीं पीना, ठीक है। एक सर्दियों में, इन गर्मियों में महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने अंगों की सुरक्षा करें। अंगों की सुरक्षा में आंख, नाक, कान आदि और जितने भी अंग महत्वपूर्ण हैं, इन सबको लू से बचाने के लिए आपको विशेष प्रकार से ध्यान देना होगा। जिनमें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो लू अंदर जाती है ना, आंखों से जाती है गर्म हवा, कान से जाती है, नाक से जाती है, और कैसे लगती है लू, इन्हीं से तो लगती है। और इसी वजह से लू का व्यक्ति शिकार होता है, और फिर बाद में इन छोटी छोटी जो समस्या मैंने आपको पहले बोली थी, उन सारी समस्याओं से घिर जाता है। चाहे वो उल्टी, दस्त, बुखार, थकावट, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। गर्मियों का जुकाम भी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए गर्मियों में जुकाम पहले तो होना नहीं चाहिए। गर्मियों में जुकाम कई सारे लोगों को हो जाता है, सर्द गर्म कर लेते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में आपको कई चीज़ें बचा सकती हैं। जैसे अगर आपको बहुत ही आवश्यक हो घर में से बाहर निकलना दोपहर में या कहीं, तो आप जरूर आप निकलें, कोई बात नहीं। बहुत आवश्यक काम है तो अपने चेहरे को कपड़े से ढककर निकलें, छाता लें, एक छाता जरूर रखें अपने साथ। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी अपने साथ छाता रखें, गाड़ी से उतरे और छाता खोल लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहला उपाय, छाता और चेहरे को ढक करके चलें। दूसरा एक उपाय लू से बचने के लिए, धनिए का जो पानी होता है ना, वो पिए। धनिए को रात को आप भिगो करके रख सकते हैं, अच्छी तरह मसल कर रखें, इसको छाने और इसमें थोड़ी चीनी मिला करके या शक्कर मिला या खांड मिला करके इसको पिए। लू अगर किसी को लग गई है, किसी को लग रहा है, तो लू की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पहला उपाय बता दिया। कच्चे आम का शरबत, जिसको आप कच्ची कैरी कहते हैं या आम पन्ना कहते हैं, इसका शरबत भी बना करके आप पियेंगे तो आप वास्तव में लू नहीं लगेगी। तो ये भी बड़ी मदद करेगा आपको। आम का पानी भी अपन पी सकते हैं। आम का पानी यानी आम का रस निकाल करके, एक लोग आम का शेक निकालते हैं जिसको मैंगो जूस कहते हैं, वो मैंगो शेक है। दूध में जो भी चीज़ बनाई जाएगी वो शेक कहलाएगी, और वैसे तो पानी या रस रस कहलाएगा। तो आम का पानी या कच्चे आम का शरबत, इस तरह से, या आम का रस, ये सब चीज़ें हमारे को लू से बचाने के लिए होती हैं। गर्मियों में पेट जो है ना, वो बड़ा ऐसा ख़राब सा हो जाता है, जैसे कोई गर्मी हो रखी है, इसमें ब्लॉटिंग हो गई। तो आपको बिल्व, बड़ा अच्छा एक होता है संस्कृत में, हिंदी में उसको बेल कहते हैं। तो बेल का पेड़ आपने देखा होगा, भगवान शंकर के कुछ पौराणिक लोग जरूर चढ़ाते हैं। उस बेल का पत्तों को भी हम ले सकते हैं, उसके फल को भी ले सकते हैं। तो बेल का जो फल होता है ना, उसका रस निकाल करके उसके रस को जरूर हमें लेना चाहिए। पेट के लिए बहुत जोरदार चीज़ होती है। इसका चूर्ण भी बाजार में मिल जाता है, इसका चूर्ण भी सेवन किया जा सकता है। ठंडा होता है, पेट का पाचन तंत्र के लिए बड़ा अमृत तुल्य होता है गर्मियों में विशेष रूप से। एक और उपाय बता देते हैं आपको। इमली के बीज जो होते हैं ना, उनको अगर पीस करके उनको पानी में हम घोल करके कपड़े से छाने, और इस पानी में अगर हम शक्कर मिला करके इसका सेवन करें या इसको यूज़ करें, तो इसमें भी लू की समस्या से हम बच सकते हैं, क्योंकि इमली की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में कभी भी बाहर हमें निकलना अगर पड़े सुबह दोपहर में, तो खाली पेट नहीं निकलना। जब भी निकलें अपने साथ में पानी की बोतल साथ रख लेवें, पानी पी करके फिर निकलें। साथ में आप चाहे तो प्याज ले सकते हैं, धनिए का पानी ले पी करके फिर निकल सकते हैं। इससे तो काफ़ी है ना, विद्वानों का कहना है कि काफ़ी वास्तव में व्यक्ति लू से बच सकता है ना। और कोशिश तो करें, पहले गर्मी में धूप में निकलने की कोशिश ही कम करें, यही होनी चाहिए कोशिश तो, है ना।
और एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर गर्मियों में आपको कपड़े पहनने तो सफ़ेद पहना करें। सफ़ेद कपड़ों में क्या होता है, एक तो लू से बच सकते हैं, साथ ही साथ आपको गर्मी नहीं लगती है, बहुत कम लगती है। या फिर सफ़ेद नहीं है तो हल्के रंग के कपड़े पहनो, लाइट 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 कलर के कपड़े पहनने चाहिए। इसमें शरीर का प्रभाव कम होता है, डार्क वालों में ज़्यादा होता है, ठीक है। विशेष करके काले कपड़े पहनने से तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। लू से अगर बचना है तो आप सलाद में कच्चे प्याज का सेवन करें, निश्चित रूप से आप लू से बच सकते हैं। शिकंजी पी सकते हैं, है ना, छाछ पी सकते हैं, तरबूज को खा सकते हैं और आम को खा सकते हैं और खरबूजे को खा सकते हैं, खीरे को खा सकते हैं, ककड़ी को खा सकते हैं, टमाटर का सलाद ले सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, वास्तव में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप इसके अलावा ताज़ा ताज़ा फलों का रस ले सकते हैं, कोई फ्लेवर्ड वाटर नहीं डालना उसमें, कोई मीठा अलग से पानी नहीं डालना, ताज़ा ताज़ा बस फलों का रस निकालें और उसको पी जाएं थोड़ा थोड़ा करके। शरीर को अगर आपको और एनर्जी देनी है, नियमित रूप से आपको पानी में ग्लूकोज मिला करके पीना चाहिए। इससे आपकी थकान तो दूर होगी होगी, एनर्जी भी मिलेगी। साथ में बेल और नींबू का शरबत भी आप सेवन करेंगे, इससे भी लू से बच सकते हैं। ये आपके शरीर में पानी की जो कमी हो गई है उसको पूरा करता है। देखो ये छोटे छोटे उपाय, इतने सारे मैंने आपको बताया, कोई भी एक दो उपाय अपना लीजिए। बाहर से जब भी आप आए, मतलब कभी भी धूप से आए घर पर, इतने ऑफिस में भी आए, तो आपको कभी एकदम तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तुरंत पानी पियेंगे तो इससे बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और बॉडी का तापमान नॉर्मल हो नहीं रहेगा तो फिर समस्या आएगी। तो इसीलिए आपको जब तक बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो तब तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सब लू से बच पाएंगे और गर्मी से बच पाएंगे। आहार अच्छा रखेंगे, निश्चित रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हमारे योग और स्वास्थ्य के इस जिसको हम कहते हैं ना बड़ा कार्यक्रम, जो आज 362वां कार्यक्रम, जिसको 362वां एपिसोड है, इसका उद्देश्य भी हमारा यही है। वास्तव में आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखें तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें वो और जान लेते हैं। कुछ और जो बातें हैं उनमें हमें तरल पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, यूज़ बढ़ाना चाहिए। जैसे जितना ज़्यादा हो सके उतना तरल पदार्थ लेने चाहिए, जैसे नींबू हुआ, है ना, बर्फीला नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बर्फीला आप ले लें, बर्फ भी मुंह में ले ले करके लोग घूमते रहते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे सभी बच्चे बड़े मुंह में बर्फ के पीस रख लेंगे, ये गलत तरीका है। इससे फिर और दूसरी समस्याएं हो जाएंगी। मौसमी फल, मौसम के जो फल होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था, खरबूजा, तरबूज, आम, ककड़ी, खीरा, इन सबका सेवन कर सकते हैं। हालांकि इनके सेवन के साथ भी हमें कुछ सावधानियों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है हमें, और एक दिन में कम से कम आपको 8 से 10 गिलास जरूर पानी पीना है। छाछ, लस्सी, कच्चे आम का पन्ना, पन्ना जिसको हम कैरी का शरबत या कच्चे आम का शरबत कहते हैं, बेल का शरबत या सत्तू का शरबत भी बड़ा उपयोगी होता है। वास्तव में एक बार में बहुत सारा नहीं खा लेना चाहिए, गर्मी में भी लोगों को स्वादिष्ट भोजन मिले तो उनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता। नहीं, आपको बहुत भोजन करेंगे तो समस्या आएगी, बहुत भोजन करेंगे तो आपका सारा दिन 5-7 घंटे तो ऐसे आलस में निकल जाएंगे। और मतलब आपको गर्मी का मौसम में अगर दिन की शुरुआत आपको करनी है तो मीठे और रसीले फल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, है ना, और मन प्रसन्न करने वाला होगा। चीकू, आड़ू, तरबूज, खरबूजा, संतरा, ये सब इनमें होते हैं, और भी हो सकते हैं। खाने में अगर आपको प्याज का, खीरे का सलाद, ये सलाद के तौर में जरूर खाएं, और ये आपको पाचन की जितनी समस्याएं हैं इनसे बचाने में बड़ी मदद करेगा ये सलाद भी। शरीर का तापमान भी, टेम्परेचर भी आपका मेंटेन रखेगा, ये सब चीज़ें जो रखेंगी। और क्योंकि इनमें क्या, पानी की मात्रा होती है, पर्याप्त पर्याप्त होती है, जिससे कि पानी का, शरीर का टेम्परेचर सही रहता है। खाने में नमक पर आपको कंट्रोल करना है, नमक पर इस मौसम में खाने में नमक अगर हमें नॉर्मल मात्रा में लेना चाहिए, नॉर्मल क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कैफीन नहीं लेनी है, यानी कॉफ़ी नहीं पीनी है आपको, शराब नहीं पीनी, और अत्यधिक चाय से भी हमें बचना है। जो लोग ज़्यादा ज़्यादा चाय पीते हैं, अरे जूस पियो ना, लस्सी पियो, शिकंजी पियो, सोडा कभी कभी पीना हो तो कभी पी सकते हैं, बाकी ये खराब चीज़ें नहीं खानी, इन्हें पीनी है।
इनके इस्तेमाल से भी पानी की कमी हो जाती है, शराब, कॉफी, चाय आदि इन सब से। फुल स्लीव के ढीले ढाले कपड़े पहनना है ना, फुल स्लीव के पहनने में क्या क्या लेना है ये बता रहा हूँ। ढीले ढाले कपड़े लेने, पूरी बाजू के कपड़े ले सकते हैं, पहन सकते हैं। हल्के रंग को कपड़ों का चुनाव हमें करना चाहिए, सूरज के प्रकोप से बचाते हैं ये हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं, पसीना सूखने में भी मदद करते हैं। कॉटन के कपड़े पहनने का प्रयास करें इस मौसम में। आँखों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, आँखों का जो व्यक्ति ध्यान नहीं रखता उसके भी साथ भी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए तेज धूप में अगर घर से बाहर निकल रहा हो तो सन ग्लासेस का यूज जरूर करना चाहिए। ज्यादा वर्कआउट, बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। तेज गर्मी है उसके जो है उमस वाला जो मौसम होता है उसमें आपको नॉर्मल वर्कआउट करना है। शारीरिक व्यायाम आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कई बार कि आपको सूर्य उदय होने से पहले पहले ही कठिन व्यायाम को करना चाहिए। अगर उसके बाद धूप में कर रहे हैं, आपको थकान या चक्कर आ रहे हैं, तुरंत आपको नींबू पानी पी लेना चाहिए, धूप से हट जाएं और छायादार जगह पर आराम करें, शवासन आदि में लेट जाएं। और धूप लग रही है ज़्यादा तो पैरों को हल्का सा ऊपर थोड़ा सा उठा करके आधे पौन घंटे के लिए लेट जाएं, इससे शरीर की रिकवरी हो जाएगी, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ आएगा, बेहोशी होने से बच जाएंगे। ये वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा इतनी बसी मैंने बातों पर पूरा करते हैं। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आशा है हमारी इन विशेष बातें जो गर्मियों में उपयोगी हैं इनको जान करके आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना पाएंगे। आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, ओम श्याम।